हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी जो अपने टाइम की बेस्ट मूवी मानी जाती है। और जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो लोगों को बहुत ही पसंद आया था। और अच्छी बात यह है कि ये सारी मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इन सभी मूवीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, पांचवें नंबर पे है 10,000 BC। यह एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है जिसको IMDb रेटिंग मिली है 5.1। स्टोरी की बात करो तो यह कहानी है 10,000 BC की आदिवासियों के, जहां के आदिवासी छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। और चार पैर के जानवरों को जैसे हाथी चीता को राक्षस के नाम से जानते हैं। एक दिन विकसित मानव प्रजाति घोड़े पे आकर इनको कबीले के ऊपर हमला कर देता है और कबीले वालों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाकर गुलामों की तरह काम करवाता है। और उसी कबीले का एक युवक जो अपने प्रेमिका को बचाने के लिए कुछ लोगों के साथ उनके पीछे निकल लेता है और रास्ते में इसे बहुत सारी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये लड़का अपने प्रेमिका को कैसे बचाता है और वहाँ पे इनके साथ क्या क्या होता है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम पे हिंदी में मिल जाएगी। भले इस फिल्म की रेटिंग कम हो लेकिन फिल्म की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। चौथे नंबर पे है जैक द जायंट स्लेयर। यह एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसको IMDb रेटिंग मिली है 6.3। स्टोरी की बात करो तो इसमें एक जैक जो किसान का बेटा होता है एक छोटे से बीज के द्वारा गलती से इंसानों और राक्षसों के बीच का प्रवेश द्वार खोल देता है। इससे राक्षस पृथ्वी पर आकर मनुष्यों का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं और ये राक्षस आम जनता के साथ साथ राजकुमारी को भी उठाकर लेके चले जाते हैं, जिससे हमारा हीरो जैक प्यार कर रहा होता है। फिर क्या हमारा हीरो जैक और राजा के कुछ सैनिक अपनी राजकुमारी का जान बचाने के लिए राक्षसों की दुनिया में जाने के लिए तैयारी करते हैं। सच बताऊं तो ये मूवी जब मैंने देखी तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। इसमें जबरदस्त एक्शन के साथ साथ आपको अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे। यह मूवी भी आपको अमेजन प्राइम पे हिंदी में मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे है वारक्राफ्ट द बिगनिंग। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसको IMDb रेटिंग मिली है 6.7। स्टोरी की बात करो तो इसमें दानव प्रजाति जो खुद को आर्ग के नाम से बुलाते हैं, जब इनका ग्रह विनाश के कगार पे होता है तो ये हरे जादू का उपयोग करके दूसरे ग्रह एजोथार पे पहुंच जाते हैं और वहां के मानव जाति से युद्ध करके उस ग्रह को अपना बनाने का प्लान करते हैं। और वहीं जब कुछ अच्छे आर्ग को इस युद्ध के पीछे की सच्चाई मालूम चलती है तो मानव प्रजाति के साथ मिलकर इस युद्ध को रोकने की कोशिश की जाती है। युद्ध के दूसरे साइड आपको एजोथार के राजा और उसके सेनापति और साथ ही उस ग्रह के रक्षक जो जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं देखने को मिलेंगे। इस मूवी में एक्शन के साथ साथ आपको जबरदस्त थ्रिलर भी देखने को मिलेगा। यह मूवी अमेज़न प्राइम के साथ साथ नेटफ्लिक्स पे भी हिंदी में देखने को मिल जाएगा। This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now! नंबर दो पे है हॉबिट। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसको IMDb रेटिंग मिली है 7.8। इस मूवी के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं। इस फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो इसका स्टोरी लॉर्ड ऑफ रिंग मूवी से पहले की है, जिसका जिक्र अभी हम आगे करेंगे। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में बोनो के स्टोरी के बारे में दिखाया गया जो पहाड़ों को तोड़कर सोना को इकट्ठा करते रहते हैं। एक दिन एक बोने को एक अनमोल हीरा मिलता है जिसको उसका राजा पाकर बहुत ही खुश होता है और वो खुद को भगवान से कंपेयर करने लगता है और एल्फ जो अमर होते हैं उनको भी अपने आगे झुकने को कहता है। तभी एक ड्रैगन जिसका नाम सरोन होता है वो उनके महलों पे हमला कर देता है और बोनो को अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है। जब ये बोने एल्फ से मदद मांगते हैं तो तब वो मदद से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि वो ड्रैगन से नहीं लड़ पाते हैं। तो इन बोनो को इनका घर वापस कराने के लिए एक हॉबिट किस प्रकार से मदद करता है यही फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है। इसी प्रकार से हॉबिट के हर एक पार्ट में अलग अलग स्टोरी दिखाया गया और ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। यदि आप हॉबिट के तीनों पार्ट देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पे हिंदी में अवेलेबल है। Home is now behind you. The world is ahead. तो फ्रेंड्स, नंबर वन पे है लॉर्ड ऑफ रिंग्स, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है जिसको IMDb रेटिंग मिली है 8.1। ये स्टोरी है 19 रिंग्स की, जिनमें से 3 रिंग्स एल्फ को और 7 रिंग बोने को और बचे हुए 9 रिंग्स मनुष्यों को दी जाती है। जैसा कि मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि एल्फ जो अमर होते हैं और इनके कान भी थोड़े से मनुष्य से अलग दिखाई देते हैं और बोने जिनकी हाइट कम होती है जो खुदाई और लोहार के काम में बेस्ट होते हैं। इस फिल्म में मनुष्यों को दिखाया गया कि वे सिर्फ पावर के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन इन 19 रिंग्स के अलावा भी एक रिंग्स होती है जो सेरॉन की रिंग होती है। ये बहुत ही पावरफुल रिंग होती है। फिल्म में जब सेरॉन युद्ध हार जाता है तो उसकी रिंग हॉबिट के हाथ में लग जाती है। यह रिंग हॉबिट को भी धीरे धीरे अपने वश में करना शुरू कर देता है।
फिर एक जादूगर आकर उस हॉबिट की मदद करता है और उस रिंग को उसके पोते के हवाले करने के लिए कहता है। तो क्या यह छोटा हॉबिट रिंग को नष्ट करके सौरन और पृथ्वी के बीच होने वाले युद्ध को रोक सकता है कि नहीं, ये जानने के लिए आप फिल्म को देख सकते हैं। इस मूवी के भी टोटल 3 पार्ट आ चुके हैं। यदि आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजॉन प्राइम पे हिंदी में देख सकते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉर्ड ऑफ रिंग्स की एक वेब सीरीज भी आई है जो आपको अमेजॉन प्राइम पे ही हिंदी में मिल जाएगा। और हाँ, इस वेब सीरीज का मूवी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यदि आपने मूवी नहीं देखा तो भी आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी पिछली वीडियो जो मैंने एडवेंचर मूवीज पे बनाई है आप उसको भी देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यदि आपको इसमें से कोई भी मूवी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको एडवेंचर मूवीज पसंद है। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।